हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सराहनीय सहयोग के लिए रेवदर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा का किया स्वागत। तेलपीखेड़ा के मामले में रेवदर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा का सराहनीय सहयोग करने पर माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया। एक साल पहले अनादरा थाना के अंतर्गत तेलपीखेड़ा गांव की एक दर्दनाक घटना से पूरा राजस्थान हिल गया था। एक मुजरिम जो बलात्कारी आरोपी नौकाराम ने एक 8 साल की मासूम बच्ची से बर्बरता पूर्वक बलात्कार करने के बाद गला घोटकर हत्या कर दी और रेवदर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा के नेतृत्व में अनादरा पुलिस ने मिलकर 5 दिनों तक आबू पर्वत के घने जंगल में बारिश के समय झाड़ियों में मुजरिम को पकड़ना एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। मगर रेवदर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह जी देवड़ा ने रात दिन मेहनत करके मुजरिम को जंगलों में से गिरफ्तार करके जेल भेजा और एक साल में मुजरिम को फांसी की सजा तक पहुंचाया और पूरे भारत में रेवदर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह जी देवड़ा और अनादरा पुलिस की वाह 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 हो रही है। वहीं अनादरा के दो जाबाज हेड कांस्टेबल गणेश राम और कांस्टेबल बन्ने सिंह ने आबू पर्वत के घने जंगल में से गिरफ्तार किया, उनकी भी हर जगह वाह वाही हो रही है। वहीं मुजरिम को फांसी की सजा तक पहुंचाया और लोगों में पुलिस की मेहनत को सराहा है, इसलिए नगानी गांव के लोगों ने रेवदर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह जी देवड़ा का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर समाज सेवी महेंद्र सिंह परमार, नगानी समाज सेवी इंद्र सिंह परमार, समाज सेवी मोटाराम देवासी, पंचायत समिति सदस्य दौलाराम मेघवाल, सरवन सिंह खान, राम सिंह गोयल, रेवदर नगानी किसान इकाई के अध्यक्ष मालाराम प्रजापत, मनोज भाई देवासी आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी की नगानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।